अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शहबाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल टीचर टेक्नीशियन। जैसे कि आपको पता है कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में सेक्स के बारे में कुछ बताया था, जैसे कि व्हाट इज सेक्स, वेयर एंड व्हाई डू सेक्स एंड हाउ इट रिप्रेजेंट्स सेक्स। और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सेक्स के बेसिक्स, दो फॉर्मूले कह लो, दो प्रॉपर्टीज कह लो, दो टाइप्स कह लो, दो कुछ भी कह लो, यूनियन और इंटरसेक्शन। यूनियन इंटरसेक्शन सामने बोर्ड पे मेंशन है, अभी इसको मैं आपको एग्जाम्पल के साथ डिफाइन करने वाला हूँ। लेकिन आप सबसे पहले मेरी दरखास्त ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। यूनियन डेफिनेशन में देखें, हमारे पास यूनियन किस तरह है। द यूनियन ऑफ अ टू सेट इज अ न्यू सेट दैट कंटेन ऑल द एलिमेंट। अब जरा इस डेफिनेशन पर गौर करते हैं। यूनियन कह रहा है कि एक वो सेट जो ऑल द कंटेन सेट एलिमेंट, कंटेन ऑल द एलिमेंट ऑफ ऑल सेट्स। जैसे कि यूनियन की मिसाल इस तरह लो कि यूनियन एक ऐसे यूनियन से ऐसा सेट बनता है जिसमें सारे सेट्स के मेंबर्स, नंबर्स, एलिमेंट सब में देखें। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे हमारे पास सेट ए मौजूद है, 1, 2, 3, 4, 5 एक सेट हो गया, और सेट भी मौजूद है 4, 5, 6, 7, 8 दो सेट मौजूद है हमारे पास। अच्छा, यूनियन बनाने के लिए जरूरी नहीं दो सेट हो। जैसे मिसाल मैंने अभी आपको तीन के दी, तीन सेट भी हो सकता है, मैं सी भी ले सकता हूँ, डी भी ले सकता हूँ, दो या दो से ज्यादा। सिंगल का सेट तो क्या बनेगा, सिंगल तो कोई सेट होता है, दो या दो से ज्यादा सेट को यूनियन बनाते हैं। चले ए यूनियन बी हमें बनाना है। मैथ सॉल्व करने का तरीका ये होता है, जब भी आपके पास कोई भी सवाल है या एग्जाम्पल हो, सवाल उतारने बस सबसे पहले सॉल्यूशन लाजमी पता चले, यहां से आपका आंसर स्टार्ट हो रहा है। ओके, जैसे मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन हमेशा सबसे पहले लिखेंगे, ये आप मैथ का एक रूल समझ लो, सही है, या फिर एक फॉर्मल वे टू सॉल्व अ क्वेश्चन। ठीक है, ए यूनियन बी क्वेश्चन मार्क, सेट ए और बी हमारे पास मौजूद है, अब सॉल्व करते हैं। ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ये क्या है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5 सेट वन यूनियन 4, 5, 6, 7। अब ए यूनियन बी, यूनियन में फिर बता दूं, दोनों एलिमेंट को मिला के एक सेट बनता है जिसे कहते हैं यूनियन सेट। अब सेट दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। एक चीज जो मैं भूल गया बताना, यूनियन को रिप्रेजेंट करने का सिंबल वो होता है दिस यू, आप इसको यू कह लो, ये सिंबल ऑफ यूनियन। अच्छा, ए यूनियन बी आ गया था, ए यूनियन आपने कहा मिला के बनाना है। अब देखो यहाँ पे 4 भी दो दफा आ रहा है और 5 भी दो दफा आ रहा है, क्या दो दफा आएगा, नहीं। जब भी आप सेट बनाएंगे जो सिंगल वर्ड दो दफा आ रहा है 4 और 4 इसको एक ही दफा मेंशन करेंगे, दो दफा मेंशन नहीं करेंगे। तो सेट हमारे पास क्या बनेगा, इनका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो कि हमारा यूनियन का आंसर। अब आते हैं इंटरसेक्शन की तरफ। इंटरसेक्शन सबसे पहले मैं इंटरसेक्शन का सिंबल आपको बता दूं, इंटरसेक्शन का सिंबल होता है दिस, आप इसको एंशेंट कह लें या उल्टा यू कह लें, दिस इज कॉल्ड द साइन ऑफ इंटरसेक्शन। जिससे इंटरसेक्शन पता चलता है कि इस सेट के अंदर, इस सवाल के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर इंटरसेक्शन हो रहा है। सबसे पहले इंटरसेक्शन की डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ अ टू सेट इज अ न्यू सेट दैट कंटेन ऑल ऑफ ऑल एलिमेंट दैट आर इन बोथ साइड, दैट आर इन बोथ साइड। मतलब इसका यह बनता है, इंटरसेक्शन ऐसा सेट होता है जो बनता तो दो या दो से ज्यादा सेट का है, लेकिन आप इन शॉर्ट समझ लो कि उसके अंदर कॉमन निकाला जाता है। उन सेट के अंदर जो वर्ड कॉमन है, सेम है, एक जैसा है, वो निकाला जाता है। आप छोटी सी मिसाल आप पहले समझते हैं, स्कूल की मिसाल दूंगा दोबारा में। एक स्कूल के अंदर, एक क्लास के अंदर 30 बच्चे, सही है, 30 बच्चों के अंदर से 10 बच्चे ऐसे हैं जो हमेशा वैन में हैं,
किसमें आएंगे? हमेशा वैन में आएंगे और किसी में नहीं आएंगे। वैन नहीं आएगा तो छुट्टी करना, सही है। 10 बच्चे हो गए ऐसे, और 10 बच्चे ऐसे जो कभी वैन में आएंगे कभी बाइक पे आएंगे, सही है। वैन नहीं आई तो पूरे साथ बाइक पे आते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पैदल आते हैं और कभी कभी बाइक पे आ जाते हैं, सही है। अभी आप 3 सेट आ गए आपके पास, 10 10 10, वैन, बाइक वैन, बाइक और पैदल। अब जब आप इसका यूनियन निकालोगे, इंटरसेक्शन निकालोगे, तो आप देखोगे कि इसमें कॉमन बात क्या है। पहले सेट वाला देखा आपने, भाई सारे वैन से आ रहे हैं, स्किप कर दो, कुछ कॉमन नहीं। दूसरे सेट देखा बाइक और वो दो चीजें आ गए, फिर आपने तीसरे सेट देखा बाइक और पैदल आने वाले, तो आपका यूनियन क्या, इंटरसेक्शन क्या निकलेगा? बाइक इज द इंटरसेक्शन ऑफ दीज 3 सेट्स। अब देखते हैं इसकी मिसाल मैं इसके अंदर कैसे लेते हैं। भाई सेट ए और बी हमारे पास रिटर्न है यहाँ पे, जो जैसे कि आपको पहले पता है, देखिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, सेट ए लिखेंगे हम सबसे पहले, 1 2 3 4 5, इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे, 4 5 6 7 8। फिर मैं दोबारा एक छोटा सा रिकॉल कर दूं इंटरसेक्शन के बारे में। इंटरसेक्शन वो सेट होता है जिसके अंदर कॉमन चीज या फिर सेम चीजें पाई जाए, जैसे कि 1 सेट ए में है, ये में नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 है, और यहाँ पे भी 5 है, 5 भी, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, मतलब इन दोनों में कुछ सेम नहीं है। दोबारा देखते हैं, ऑल एलिमेंट दैट आर इन बोथ साइड, वो एलिमेंट, वो नंबर, वो फिगर, वो कॉन्स्टेंट लव जो दोनों साइड हो, दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ए इंटरसेक्शन बी सेट 4 5, दिस इज द आंसर ऑफ इंटरसेक्शन। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा, उम्मीद है कि आ गया होगा। अगर ना भी आए तो कुछ रह गया हो मेरे बताने में इंटरसेक्शन और यूनियन के बारे में, तो आप कमेंट्स में जाकर पूछ सकते हैं। और अगर किसी को सेट्स के बारे में और कुछ जानना है, तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में सब कुछ बताया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी देख लीजिएगा और बाकी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जो फिर भी ना हो आप पूछ लीजिएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम सेट्स के बारे में और कुछ डिस्कस करें। थैंक यू, अल्लाह।